अगर आप अपने स्मार्टफोन एंड्रॉयड टीवी या फिर पीसी के लिए गेमपैड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम लैपटॉप ह्यूमन को अनबॉक्स करेंगे और हम इसकी बिल्ड क्वालिटी कंपेयर करेंगे मोटोरोला गेमपैड के साथ में और लैपटॉप GPW01 के साथ में। गेमपैड के अंदर हमें ड्यूअल कनेक्टिविटी मिलती है, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है और इसके साथ में हमें USB डोंगल भी मिलता है। चलिए इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस किस डिवाइस के साथ में किस तरह से वर्क करता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो दोस्तों ये है लाइफटेक ह्यूमन का बॉक्स और इसके बैक साइड में यहाँ पर MRP लिखी हुई है 2499, लेकिन ये आपको लगभग 1250 में Amazon पे मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एक USB केबल इसको चार्ज करने के लिए, इसके अंदर micro USB पोर्ट आता है और इसके बाद है एक यूजर मैनुअल और बॉक्स के अंदर एक USB डोंगल भी है। PC लैपटॉप के जिन डिवाइसेस के अंदर भी ब्लूटूथ नहीं आता, हम इस डोंगल की हेल्प से गेमपैड कनेक्ट कर सकते हैं। गेमपैड के बटन्स का फील काफी अच्छा है, लेकिन RB और RL कीज काफी सॉफ्ट हैं, इनके अंदर वेट काफी कम है, बहुत कम प्रेस करने पे भी ये प्रेस हो जा रहे हैं, जबकि मोटोरोला गेमपैड के RP और RL कीज काफी टाइट हैं और इनके अंदर एक वेट फील होता है जो कि लाइफटेक ह्यूमन के अंदर नहीं है। लाइफटेक ह्यूमन के RP और RL में क्लिक साउंड तो है, लेकिन उतना वेट नहीं है जितना मोटोरोला गेमपैड में है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला थोड़ा सा प्रीमियम है। और अगर हम जॉयस्टिक की बात करें तो दोनों की जॉयस्टिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी और डीपैड भी दोनों के सिमिलर हैं। और अगर हम विड्थ की बात करें तो लाइफटेक की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, उसका भी अपना रीज़न है क्योंकि इसके अंदर एक मोबाइल होल्डर आता है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं लाइफटेक GPW01 से। लैपटॉप GPW01 के जो बटन्स हैं वो थोड़े फ्लिमजी हैं और इसका डिज़ाइन भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो इन सारे गेमपैड में जो सबसे प्रीमियम है वो है मोटोरोला, इसके बाद आता है लैपटॉप ह्यूमन, इसके RP और RL कीज थोड़े से और टाइट होते तो ये और अच्छा होता, और फाइनली इन सब में जो सबसे पीछे है वो है लैपटॉप GPW01। तो मोटोरोला गेमपैड को तो हम परचेस कर नहीं सकते, तो बाकी दोनों में लैपटॉप ह्यूमन बेटर है। तो चलिए हम लाइफटेक ह्यूमन को अपने मोटोरोला रेवो टीवी के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये गेमपैड आ चुका है, गेमपैड प्लस V3, और यहाँ पर कुड नॉट पेयर आ गया है, तो ये पेयर नहीं हुआ। चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मैंने पेयरिंग मोड में डाला है और पेयर पे क्लिक किया है, लेकिन दोबारा वही लिखा गया है कुड नॉट पेयर। इस गेमपैड के साथ में हमें एक USB डोंगल भी मिलती है। चलिए हम USB डोंगल के थ्रू ट्राई करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डोंगल शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी हमें कुड नॉट पेयर शो हो रहा है। हालांकि डोंगल लगाने के बाद हमें इस तरह से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही हम TV के अंदर डोंगल लगाते हैं गेमपैड ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है, लेकिन इस TV के अंदर ब्लूटूथ और डोंगल दोनों से ही कनेक्ट नहीं हो रहा। और मोटोरोला रेवो के साथ में लाइफटेक GPW01 भी कनेक्ट नहीं हो रहा। और इस TV के साथ में मैंने कॉस्मिक बाइट इक्विनॉक्स किजार को भी ट्राई किया था और वो भी TV के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ था। तो मोटोरोला रेवो सीरीज के साथ में काफी कम गेमपैड पेयर होते हैं, हालांकि मैंने अभी और भी गेमपैड्स मंगाए हुए हैं तो मैं उनको भी टेस्ट करने वाला हूँ, और जब वो चल जाएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलिए हम इस गेमपैड को ट्राई करते हैं अपने दूसरे TV में, जो कि है VU अल्ट्रा 4K TV। और यहाँ पे पहले मैं लाइफटेक GPW01 को ट्राई करता हूँ और ये पेयर हो गया है। तो चलिए अब हम लाइफटेक ह्यूमन को ट्राई करते हैं और ये भी कनेक्ट हो गया है। तो VU अल्ट्रा 4K TV के साथ में ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं PC के साथ में, और हम जाएंगे ब्लूटूथ डिवाइस में और यहाँ पर हम ऐड ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करेंगे। गेमपैड को मैंने पेयरिंग मोड में डाला हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गेमपैड प्लस V3 आ गया है। चलिए
हम कंट्रोल पैनल के अंदर चलते हैं और वहां पर हम ओपन करेंगे व्यू डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं गेमपैड प्लस V3 का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है और नीचे नोटिफिकेशन आ गई है, गेमपैड प्लस V3 इज सेटअप एंड रेडी टू गो। चलिए हम इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर गेम कंट्रोलर सेटिंग्स हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो यहाँ से हम अपने बटन्स चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे बटन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये NGDS मोड में है। Xbox 360 मोड के लिए आपको USB डोंगल यूज करनी पड़ेगी, ब्लूटूथ मोड में Xbox 360 मोड नहीं आता। और मैंने इसमें Xbox 360 मोड में गेम्स खेल के देखे हैं और ये काफी अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों, ये गेमपैड स्मार्टफोन के साथ भी वर्क करता है, PC के साथ भी वर्क करता है और एंड्रॉयड TV के साथ भी वर्क करता है, लेकिन मोटोरोला के एंड्रॉयड TV के साथ ये वर्क नहीं करता। तो ये कुछ ही एंड्रॉयड TV के साथ वर्क करता है। अब एंड्रॉयड TV के लिए इसको ना लें, उसके लिए आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।